नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सरगुजा जिले के गुमगरा संकुल क्षेत्र के स्कूलों में हुए स्वीपर भर्ती का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हाई स्कूल गुमगरा पहुंच गए, जो उसे बंद करने की बात कर रहे थे। इसकी सूचना जैसे ही प्रशासन को लगी, प्रशासन हरकत में आई और तहसीलदार ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया है। बताया जा रहा है कि वहां के संकुल समन्वयक विनोद गुप्ता को हटाने की मांग क्षेत्र के ग्रामीण काफी समय से कर रहे हैं। स्वीपर भर्ती में विवाद था, इसके बाद जब स्वीपर भर्ती के निरीक्षण में आए थे बीओ साहब, तब उसमें हम लोग को ग्रामीण के साथ थे, सरपंच वगैरह सब थे और लगभग 40-50 गांव के लोग भी थे। उसमें धमकी वगैरह भी दे दिए थे और ये भी बोला गया था कि सरपंचों को, जितने कांग्रेसी सरपंच हैं, उनके खिलाफ 15वां वित्त का मैं जांच कराऊंगा। तो ये तो शिक्षक की तरह व्यवहार ही नहीं कर रहे थे, वो तो नेता थे, अब उनको नेता के जगह में भेज देना चाहिए, वो शिक्षक है नहीं। इसलिए हम लोग मांग किए थे कि शिक्षक को हटाया जाए, उनको जो धमकी दिए हैं वैसे जगह भेजिए, ताकि हम लोग को इस शिक्षक से मुक्ति मिले। और वो तो एक पढ़ाते भी नहीं थे। 5 गांव के लोग ही इकट्ठा हुए थे, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं था और सभी 5 गांव के जो मुखिया थे, गांव के लोग थे, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो हमारे समर्थक थे कि विनोद गुप्ता को हटाना है और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, उस विषय को लेकर जो जुड़े थे, उन सभी यहाँ उपस्थित थे। और दरअसल संकुल समन्वयक विनोद गुप्ता पर रिश्वत लेकर स्कूलों में स्वीपर भर्ती का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है, जिसको लेकर बीते दिनों संकुल समन्वयक ने ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार भी किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ था। संकुल समन्वयक के इस व्यवहार से ग्रामीण आक्रोशित थे। ये लगातार आने पहले भी कुछ भी कार्यक्रम होता है यहाँ स्कूल में, जैसे संकुल स्तरीय कुछ कार्यक्रम होता है, तो हमेशा जनप्रतिनिधियों को, सरपंचों को हमेशा ये मतलब साइड में रखता है। मतलब प्रोटोकॉल का जो रहता है कि सरपंच जी का बुलाना है उनको और कुछ करना है स्कूल में, जैसा भी कोई कार्यक्रम है तो बिल्कुल नहीं बुलाते हैं। और दूसरा चीज़, अभी स्वीपर में पूरा मनमानी किए हैं अपने यहाँ, 4 स्वीपर पद था, 4 स्वीपर पद में वो मनमानी किए हैं प्रधान पाठकों से मिल के। किसी प्रकार का कोई संकुल प्रबंधन, शाला प्रबंधन समितियों को नहीं बुलाया गया और अपने तरीके से नियुक्ति किए। मैं मांग करता हूँ, अब बीओ साहब अभी आश्वासन दे के गए हैं कि जितना भी नियुक्ति हुआ है गुंगरा कला का स्वीपर का, वो निरस्त करने का वो आश्वासन दिए हैं और कर दिए हैं, पुनः उनके उपस्थिति में नियुक्ति होगा। ग्रामीणों ने संकुल समन्वयक के खिलाफ कलेक्टर जनदर्शन में स्कूल में हुए स्वीपर भर्ती को लेकर शिकायत की थी। शिकायत के एक सप्ताह बाद भी कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीण हाई स्कूल बंद कराने पहुंच गए। इधर जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों की इसकी जानकारी लगी, मौके पर पुलिस के साथ शिक्षा विभाग और प्रशासन की टीम गुमगरा पहुंच गई और तत्काल स्कूल समन्वयक पद से हटा दिया गया। गुमगरा कला में संकुल समन्वयक जो थे यहाँ पर विनोद गुप्ता जी, उनके द्वारा कुछ ग्रामीणों से पदचलूकी की गई थी और स्वीपर नियुक्ति में भी कुछ ग्रामीणों की आपत्तियाँ थी, शिकायतें थी, जिसको हमने सुना सभी के सामने, जिसमें शिक्षा विभाग, पुलिस वाले और राजस्व की टीम थी। और हमने आगे की कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित भी किया है, उनके तरफ से पूर्ण आश्वासन मिला है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जाँच की जाएगी। और कल आदरणीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में सभी संकुल में मेगा पालक बैठक है, पालक शिक्षकों का बैठक है, जिसमें बच्चों की भविष्य की चर्चा की जाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस हेतु हमने सभी ग्रामवासी जो उपस्थित थे उनसे आग्रह भी किया है। जिसके बाद मामला शांत हुआ, वहीं गुमगरा के संकुल समन्वयक ने स्वीपर भर्ती में रिश्वत लेने की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया, कहा कि मुझे हटाने षड्यंत्र किया गया है। स्वीपर भर्ती का लग रहा है आरोप, स्वीपर भर्ती में SMC के मेंबर और प्लस जो है हेडमास्टर को करना है, संकुल समन्वयक और संकुल प्रभारी का इसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। आरोप सिर्फ जानबूझ के लगाया जा रहा है कि पैसा लिए हैं, जबकि ऐसा कोई भी प्रूफ कर दे कि यह पैसा लिए हैं, कोई आरोप नहीं है पैसे का। ये जानबूझ के षड्यंत्र रच के हटाना चाहते हैं, क्योंकि मैं संकुल के कार्य यहाँ के पूरे शिक्षक बंधु से पूछ लिया जाए कि इनका कार्य कैसे है। हमारे कार्य में किसी भी प्रकार का लापरवाही नहीं है, जिले में सबसे पहला अच्छा संकुल है तो संकुल गुमगरा कला एवं खुर्द है।